डॉक्टर डॉक्टर सारस्वत, बीजेपी से किसी तरह की कोई आपत्ति आपको नहीं है अगर प्रस्ताव आता है, या राजनीति अगर किसी भी तरह से आप दोनों को मिलने की तरफ प्रेरित करती है तो आप मिल जाएंगे? मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमारी पार्टी का शुरुआत से, जब से स्थापना हुई है 16 साल हो चुके हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना लेके, एक एजेंडा है, वो एजेंडा है महाराष्ट्र धर्म। हमारे लिए भी महाराष्ट्र का महाराष्ट्र माजा, ठीक है, महाराष्ट्र पहले है, हम पहले मराठी हैं, और उसके साथ साथ चूंकि हमारा जन्म हिंदुत्व में, हिंदू घराने में हो तो हम हिंदू हैं, हम धर्मांध नहीं है, हम मुस्लिम धर्म के विरोधी नहीं है, हम किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है, हम सर्व धर्म संभाव की बात करते हैं, ठीक है हम डॉक्टर सबको साहब। साथ लेके चलेंगे। सईद भाई, नहीं, एक एक से, दुबे जी, आप बहुत देर से डॉक्टर वागीश को रोकना चाह रहे थे, जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन सचिन जी का एक रिएक्शन ले लें सब, और प्रोफेसर रागी भी हैं, फिर उसके बाद बारी से आपके पास आते हैं, आप प्लीज नोट कर लीजिएगा जो भी आप जवाब देना चाहते हैं, क्षमा के साथ। सचिन जी, महाराष्ट्र में बड़ी मुश्किल से आप सत्ता में आ पाए और इस महाअघाड़ी सरकार के साथ आप सत्ता में हैं। आज जो परिस्थितियां इस समय बन रही हैं, आपको लगता है कि देश में आपकी स्थिति कमजोर हो रही है और महाराष्ट्र में जहां आप सरकार में हैं, वो भी गठबंधन की सरकार में, ऐसे में अगर एमएनएस खड़ी हो रही है और एमएनएस बीजेपी मिल जाए तो फिर आप संकट में आ जाएंगे, आप और पीछे चले जाएंगे? क्या हमारा प्रश्न सबसे यही है कि क्या आपको भी डर लग रहा है? नहीं, हमें डर देश के लिए लग रहा है। देखिए, देश में जिस तरह से नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है, उसी की एक फ्रेंचाइजी महाराष्ट्र में उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को दी है। अब ये जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहां एक दुकान है जो बहुत, मतलब मेरे ख्याल से बहुत गए विगत बहुत साल से चल रही थी, अलग अलग होगी, पहले मिठाई की चली, वो नहीं चली, फिर उसके बाद में कोई साड़ी की दुकान डाली, साड़ी की दुकान नहीं चली, तो फिर बाद में एक बनियान की दुकान डाली लेकिन चल नहीं पाई। उसी तरह से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 2006 से अपनी ये दुकानें बदलती रह रही है। पहले तो उन्होंने धर्मनिरपेक्षता शुरू की, उनका झंडा कुछ अलग था, 2 साल में वो मराठी के मुद्दे पे आए, लोगों को मारने लग गए, वो भी नहीं चला, उनके जो इंजन के डब्बे में कोई मतलब लोग बैठने को तैयार नहीं थे, उसके बाद में अभी ये नई दुकान उन्होंने खोली है। निश्चित तौर पर ये सभी जो चीजें वो करते आ रहे हैं, इसकी आदत लोगों को पड़ चुकी है, लोगों ने बार बार उनको धिक्कार दिया है, उनको नकारा है। निश्चित तौर पर अभी ये किराए के लाउडस्पीकर की तरह भारतीय जनता पार्टी उनका इस्तेमाल कर रही है, और जो वो नहीं कर सकती, जो वो नहीं कह सकती, इनके मुंह से कहलवा रही है। और एक जो शांतता का माहौल, नहीं, एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट बोल ले, सचिन जी को खत्म कर लेने दीजिए प्लीज। हाँ सचिन जी, बात पूरी भाईचारे का कीजिए। माहौल खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अभी एक तरफ से ये कह रहे हैं कि मराठी का मुद्दा नहीं छोड़ा, तो भैया हनुमान चालीसा स्त्रोत्र आप लेके आ रहे हैं, मराठी में तो मारुति स्तोत्र भी है, भीम रूपी महारुद्रा बोला जाता है, तो आज उसकी याद नहीं आई आपको? आज आपको उत्तर प्रदेश के सीएम की याद आ रही है, और यही बराज ठाकरे जी तो 2019 में मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को कह रहे थे कि ये सभी लोगों ने पूरे देश का नुकसान कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया, आज अचानक भूमिका बदल दी। तो ये जो चोले बदलने का जो सिलसिला है वो सालों से चलते आ रहा है, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इनका इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा और कुछ कहने की इनके बारे ठीक में है सचिन जी, तो नहीं। सचिन जी दुबे जी आपके पास आए, उससे पहले प्रोफेसर रागी, रागी सर, ये जो लाउडस्पीकर का मुद्दा उठा और उसे लेकर राज ठाकरे एकदम से मुखर हो गए, आक्रामक हो गए, आपकी दृष्टि में सर क्या हासिल करना चाहते हैं राज ठाकरे? देखिए, राज ठाकरे ने एक मुद्दे को उठाया है और मुझे लगता है कि ये शिवसेना को इस पर अपना उत्तर देना चाहिए, और ये उत्तर जो है वो संविधान के अनुरूप हो, कानून के अनुरूप हो। यदि आप ये कह देते हैं कि हम आपको खारिज कर देते हैं, सिर्फ इससे बात नहीं बनती है। राज ठाकरे ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, क्या अजान आप 5 बार सुनाएंगे? और यदि सुनाएंगे तो उसके उसके प्रत्युत्तर में यदि हिंदू समाज यदि जो है वो 5 बार यदि हनुमान चालीसा करता है तो क्या आपको उससे आपत्ति है? इस पर उद्धव ठाकरे क्यों नहीं बात करते हैं? एक बहुत वाजिब सवाल है। बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि महाराष्ट्र के अंदर वो सड़कों पर अजान और नमाज का विरोध करते हैं। क्या बाला साहब की वो सारी नैतिकता उद्धव ठाकरे ने बेच रखी है? क्या उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि हमने बाला साहब की जो सांस्कृतिक विरासत है, जो राष्ट्रीय विरासत है, जो राष्ट्रीय संबोध है,
हम उससे अपने आप को अलग करते हैं और हम मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए आगे बढ़ते हैं। हमें कोई परहेज नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सत्ता चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। उनको लगता है कि सत्ता के लिए हमको मुस्लिमों का तुष्टिकरण करना है, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कहें तो सही, आप ये स्वीकार तो करें कि हम अपने परिवार की सत्ता के लिए मुस्लिमों के साथ, मुस्लिम आतंकवादियों के साथ, मुस्लिम रेडिकलिस्ट ताकतों के साथ हम अपने आप को उनके आगे सजदा कर रहे हैं, हमको उनकी जरूरत है, ये आप कहें तो सही। इसलिए महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है कि राजस्थान, ये महाराष्ट्र के अंदर कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो इन ताकतों के साथ खड़ी हैं, और कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो इनके विरोध में खड़ी हैं, जो इनका विरोध करता है। जो ताकतें इनके पक्ष में खड़ी हैं वे वही ताकतें हैं, वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप में या प्रत्यक्ष रूप में, परोक्ष रूप में या प्रत्यक्ष रूप में, कहीं ना कहीं विभाजन के पहले की मानसिकता को संपोषित करते हैं, कहीं ना कहीं पहले की मानसिकता को संवर्धित करते हैं। जी, मेरा बस इतना कहना है। बहुत धन्यवाद।